Okay. जी पैदाइशी ओबीसी समूह में नहीं, वो ओबीसी समूह में तब आए जब एक सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी माना, तो पैदाइशी ओबीसी नहीं है मोदी जी, ये तो खुद कलम शाह ने पार्लियामेंट पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्वीकारी नहीं कर लिया, घोषणा कर दी। तो अब आप कुछ भी बन जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप पैदाइशी ओबीसी नहीं हैं, ये कल भारत के गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया। कल बिहार में सभी पार्टियों के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, आखिर फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, खेला होगा का नारा हर तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा आकलन है, लोग इस बात से क्षुब्ध और नाराज हैं, खासतौर से जेडीयू के ज़्यादातर विधायक और भाजपा के कुछ भी, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को हमने इतनी गालियां दी, भाजपा वाले कहते हैं अब वही हमारा नेता बन गया। दूसरा, जेडीयू इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उनके एमएलए कि इनकी बार बार पलटू वाली छवि से जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया है। तो मान के चलिए कल इंडिया जीतेगा और इनका गठबंधन बहुमत नहीं साबित कर पाएगा। सर, पंजाब में केजरीवाल पार्टी के लिए 14 लोकसभा सीट जीतने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा है, ये रणनीतिक योजना है इंडिया गठबंधन की, या फिर अरविंद केजरीवाल गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म को नहीं निभा? एक लाइन में सर जवाब है मेरा, कैसे कि कैसे ये 13-14 सीटें जो भी हैं भाजपा हारे, इसकी रणनीति लेकर इंडिया गठबंधन आएगा, ये आप मानकर चलिए। लखनऊ में सर बदला मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, नाम बदलने के अलावा भाजपा ने कभी कोई काम भी किया है? नाम बदलो, इसके अलावा दूसरा काम नहीं किया।